आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। रहस्यमय परिस्थितियों में चोइथराम मंडी के पीछे प्रकाश नगर में झुग्गी झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने से दो मासूम बच्चियों की जलने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और दोनों बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के चोइथराम सब्जी मंडी के प्रकाश नगर में सोमवार रात झोपड़ी में आग लगने के कारण 6 वर्षीय मुस्कान और 4 वर्षीय छोटी बहन नंदू उर्फ नंदिनी की मौत हो गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और दमकल कर्मियों ने बड़े ही मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं दो बच्ची जो अंदर सो रही थी जिंदा जल गई, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे और इंदौर के कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं संभवतः आपसी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक संदेही को भी अपने हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए इंदौर से विशेष संवाददाता अमर वर्मा की रिपोर्ट। हाँ, ये राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में प्रकाश नगर करके झुग्गी बस्ती का इलाका है। वहाँ पर एक 6 वर्ष की बच्ची मुस्कान पिता सोनू मेड़ा और दूसरी बच्ची नंदू पिता सोनू मेड़ा 4 वर्ष की, इन दोनों की आगजनी में मृत्यु हो गई है। और जैसी सूचना मिली थी तो फायर ब्रिगेड की टीम आ गई थी, थाने की टीम आ गई थी और बच्चियों की बॉडी को निकाल लिया गया है। फिलहाल ये आगजनी की घटना हुई है, इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, प्रॉपर जांच करेंगे। चूँकि दो बच्चियों की मृत्यु हो गई है तो ये इम्पोर्टेंट मामला है, इसको देखा जाएगा गंभीरता से। हाँ, ये फायर को मशक्कत करनी पड़ी थी, फिर चौथरा मंडी से जस्ट लगा हुआ ही पीछे का इलाका है तो फायर ब्रिगेड भी पीछे से उन्होंने वाटर सप्लाई करा था, जिससे फायर को कंट्रोल लिया गया था।